अलमैकम वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लर्निंग विध जी आज हमारा लेसन जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिकली इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर शॉर्ट स्टोरी एंड पोइट्री उसका लेसन नंबर फोर है जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले राइटर की जो है वो बायोग्राफी आ जाती है ऑस्कर वाइल्ड है ठीक है उसकी जो बॉन हुआ था वो एटीन फिफ्टी फोर में और उसकी डेथ हुई थी नाइनटीन हंड्रेड में ऑस्कर जो है वो वॉज एन आयरिश राइटर है पोइट है ठीक है ड्यू टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग थ्रू आउट दी एटीन एटीज़ ठीक है उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें डिफरेंट फॉर्म्स में नज़र आती है एटीन एटीज़ में ही वॉज कंसिडर्ड एज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्ले राइट ऑफ लेट विक्टोरियन टाइम्स अब विक्टोरियन टाइम की जो टाइम uh, पीरियड था उसको ही अपनी राइटिंग में डिस्कस करता है विक्टोरियन राइटर्स वर वेरी डिफरेंट इन देयर स्टाइल ऑफ राइटिंग इनका जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है दे हैड देयर ओन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी विच वॉज स्ट्रॉगली प्रजेंटेड इन देयर स्टाइल ठीक है तो बेसिकली आपने जो है वो इसकी बायोग्राफी देख ली सबसे पहले ऑस्कर वाइल्ड की ठीक है उसके बाद हम चलते हैं इसकी जो स्टोरी uh, है जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि विक्टोरियन एज को किस तरह से अपनी राइटिंग में शो कर रहा है ठीक है बेसिकली अब ओस्कर वाइल्ड जो है वो बेस्ट uh, नॉन है वो अच्छे मतलब लोग उसको uh, जानते हैं उसकी स्टोरी की वजह से हैप्पी प्रिंस की वजह से और अदर स्टोरीज़ की वजह से भी वो जो है वो फेमस है ठीक है उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ दी हैप्पी प्रिंस अब बेसिकली आपको मैं सिर्फ समरी इसकी रीड आउट करवाऊंगी इसका टेक्स्ट जो है वो आपको नहीं पढ़ के सुनाऊंगी ठीक है जिस तरह से मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर में किया था वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें ऑल्सो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ आई होप कि आपको पिछली वीडियो भी पसंद आई होगी उसमें भी मैंने जो है आपको सारी इंट्रोडक्शन लिटरेचर पढ़ाया था और सारा जो है ना वो राइटर uh, के बारे में बताया और उसके वर्क्स के बारे में मैंने आपको समझ बताई थी अच्छा अब ये वाला जो लेसन है वो हम ऑस्कर वाइल्ड का पढ़ रहे हैं और इसकी जो वर्क uh, है सबसे पहला वो है दी हैप्पी प्रिंस अब इसमें हमें क्या बताया जा रहा है बेसिकली वो हम लोग देख लेते हैं ताकि फिर आपको जब मैं स्टोरी बताऊँ तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि किस तरह से इसका थीम जो है वो इसकी राइटिंग में हमें देखने को मिल जाता है अब बेसिकली जो हैप्पी प्रिंस है वो एक तरह की फेरी टेल है ठीक है फ़ेरी टेल है यानी कि पुराने वक्तों में जो फेरी टेल्स यूज़ होती थी ज़्यादा सुनाई जाती थी लोगों को वो उस किस्म की जो है ना ये स्टोरी है अब इसमें हमें बेसिकली विक्टोरियन एज का दिखाया जा रहा है उसकी पॉवर्टी का दिखाया जा रहा है उसकी इक्वालिटी का दिखाया जा रहा है ग्रीड का दिखाया जा रहा है क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इन सारी चीज़ों को विक्टोरियन एज की अब बेसिकली मैंने आपको जिस तरह से बताया कि जो ऑस्कर वाइल्ड है उसकी राइटिंग में हमें विक्टोरियन एज बहुत ज़्यादा नज़र आती है ठीक है उसके जो वर्क्स हैं उसमें हमें विक्टोरियन एज का कुछ ना कुछ हमें जो है ना वो आ, क्लू मिल जाता है तो आ, इसमें भी इस जो स्टोरी है दी हैप्पी प्रिंस इसमें भी हमें विक्टोरियन एज की पवर्टी इनक्वलिटी के किस तरह से लोग एक दूसरे को इक्वल नहीं समझते अपर क्लास जो है वो लोअर क्लास को एक्सप्लोइ कर रही है ठीक है उसके बाद लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर हो गए हैं पॉवर्टी है उनके पास पैसा नहीं है एक दूसरे का इलाज करने के लिए या कुछ खाने पीने के लिए ठीक है या फिर वो ग्रीडी हैं ठीक है तो ये सारी चीजें जो है, वो इस सारे वर्क में डिस्कस की गई हैं आई होप कि यहां तक आपको सारा जो है वो क्लियर हो गया होगा इसके थीम क्या है अब हम लोग चलते हैं इसके समरी की तरफ समरी में आपके साथ शेयर करती हूँ सबसे पहले जो राइटर है वो हमें इसकी डिस्क्रिप्शन सुनाता है कि जो स्टैचू है अब स्टैचू जो है वो बेसिकली बहुत ज्यादा जो है ना वो बड़ा है ठीक है उसको पूरे टाउन में लोग उसको देख सकते हैं ठीक है जहाँ पे भी अगर घर में भी बैठे हैं लोग तो उसे वो देख सकते हैं वो इतना बड़ा है कि पूरे टाउन को वो नज़र आ सकता है और वो पूरे टाउन को देख सकता है ठीक है अब स्टैचू जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन बताई जा रही है कि स्टैचू जो है वो गोल्डन कलर का है जिसका नाम है हैप्पी प्रिंस अब स्टैचू जो गोल्डन कलर का उसका नाम उन्होंने हैप्पी प्रिंस रखा है उसकी आइज़ जो है वो स्वेयर की सफ़ेर की हैं मतलब कि नीलम की आइज़ हैं उसकी ठीक है उसके बाद जो उसकी आ, उसके पास स्वार्ड है जो उसके अंदर भी रेड कलर का रूबी लगा हुआ है उसकी दोनों आइज़ जो हैं वो सफ़ैर की हैं और उसके स्वार्ड पर रू रेड रूबी लगा हुआ है और उसका जो पूरा जो बॉडी है वो गोल्डन है यानी कि गोल्ड का पानी उस पर फिरा हुआ है ठीक है तो यहाँ तक आपको स्टैचू की डिस्क्रिप्शन क्लियर हो गई होगी ठीक है अब आपने आगे सुनना है कि सारा मैंने जिस तरह से आपको बताया कि टाउन उसको देख सकता है और वो भी हर टाउन को देख सकता है अब बेसिकली वो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है जब उसके पास स्वेलो बर्ड आता है अब यहाँ पे आपको स्वेलो बर्ड की जो है ना वो स्टोरी सुनाई जा रही है कि वो घूमता जो है ना घूमता हुआ आ रहा है अपने जो है ना और बर्ड्स के साथ ठीक है वो बेसिकली इजिप्ट की तरफ मूव कर रहा है लेकिन वो थक जाता है जिसकी वजह से वो इस स्टैचू पर आके बैठ जाता है रेस्ट करने के लिए ठीक है जब वो रेस्ट कर रहा होता है तो वो फील करता है कि उसके ऊपर जो है ना वो पानी पड़ा है ठीक है तो वो वेदर को देखता है वो ऑब्ज़र्व करता है कि ऐसा कोई वेदर नहीं है कि बारिश हो यानी कि कोई ऐसा वेदर शो नहीं कर रहा कि बारिश हो लेकिन फिर मेरे ऊपर से पानी का कतरा क्यों पड़ा है मेरे ऊपर ठीक है जब वो ऑब्ज़र्व करता है तो वो देखता है कि स्टैचू की आइज़ में से जो है वो पानी गिर रहा है यानी कि स्टैचू रो रहा है जब वो स्टैचू के करीब जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है तो स्टैचू उसे अपने बारे में बताता है ठीक है कि मैं कौन हूँ मैं क्यों रो रहा हूँ अपने रोने की वजह बताता है वो उसे बताता है कि मैं जो हूँ वो पहले पैलेस में रहता था मैंने कभी भी सोसाइटी या टाउन के लोगों को ऑब्ज़र्व नहीं किया था मैं एक हैप्पी लाइफ गुजारा था मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी ठीक है मैं अच्छा खाना खाता था मैं अच्छा पहनता था हर चीज़ मेरे पास अच्छी थी मैं किसी को नहीं जानता था यानी कि वो अपनी रिचनेस को शो कर रहा है कि वो रिच था ठीक है उसके बाद जब वो बताता है कि अब जब मैं मर गया हूँ तो लोगों ने मेरा स्टैचू बना दिया है तो मैं स्टैचू बन के लोगों की पूरे टाउन की जो अपर सॉरी लोअर क्लास लोग हैं या अपर क्लास लोग हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी जो चीज़ें हैं वो मैं फ़ील कर रहा हूँ कि अपर क्लास किस तरह से लोअर क्लास को एक्सप्लोइ कर रहे हैं और लोअर क्लास के पास खाने पीने को नहीं है पैसे ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्वेलो बर्ड को बताता है और स्वेलो बर्ड से कहता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे अब वो उसे हेल्प करने का कहता है जब वो अपना इंट्रोडक्शन दे, दे देता है और सारे टाउन की सारी चीज़ों के बारे में बता देता है तब वो कहता है कि तुम क्या मेरी हेल्प करोगे तो वो स्वेलो बर्ड जो है वो एग्री हो जाती है ठीक है जब वो स्वेलो बर्ड को कहता है कि आए घर में अब वो मैंने आपको बताया कि वो इतना जॉइंट है कि हर किसी घर में वो देख सकता है उसको पता है कि किस घर में क्या चीज़ हो रही है तो वो एक घर की जो है ना वो बताता है घर के बारे में जहाँ पे एक लेडी रहती है जिसका सन जो है जिसका बेटा जो है वो बीमार है तो वो स्वेलो बर्ड को कहता है कि तुम मेरे जो स्वर्ड में रेड रूबी है वो ले जाओ उस लेडी के पास ताकि वो अपने बेटे का इलाज कर सके उसके पास कुछ पैसे आ सकें स्वेलो बर्ड इसी तरह से करती है और वो उसको रूबी जाके दे देती है स्वेलो बर्ड वापस आती है तो वो उसे स्टैचू को कहती है कि मैंने जो है वो इजिप्ट की तरफ मूव करना है जो मेरा मैं रेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास रुकी थी तो स्टैचू जो है वो उसे मना करता है उसे कहता है कि तुम अभी नहीं जा सकती क्योंकि मैंने तुमसे अभी और काम करवाने मैंने तुमसे और हेल्प लेनी है तो स्वेलो बर्ड जो है वो एग्री कर लेती है और हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है फिर वो 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 उसे उसे जो जो स्टैचू है 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 दोबारा एक और काम काम के लिए भेजता क्या है अब वो किसी परस, प्ले राइट है जो अपने कमरे की छत पे बैठ के जो है ना सर्दी के मौसम में प्ले लिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है जिसकी वजह से वो प्ले अपना खत्म नहीं कर पा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है ठीक है तो उसने अपने डायरेक्टर को वो प्ले देना है इस वजह से उसको जल्दी इसको ख़त्म करना है लेकिन वो उसे ख़त्म नहीं कर पा रहा तो वो उसे जो है वो कहता है स्टैचू जो है उसे कहता है कि तुम मेरी आईज़ में से एक स्टोन ले जाओ और उसे दे दो ताकि उसकी इससे हेल्प हो सके ठीक है स्वेलो बर्ड इसी तरह से करती है और बर्ड जो है वो फिर बाद में जब वो वापस आती है तो वो कहती है कि वो हमेशा डिसाइड करती है कि वो हमेशा इस स्टैचू के साथ ही गुजारेगी और उसकी हेल्प करेगी ठीक है तो वो अपनी जो दिन और रात है वो इसी तरह से स्पेंड करने लगते हैं बर्ड हमेशा जो है उसकी हेल्प करती है और जो स्टैचू है वो उसको जो है वो काम देता रहता है ठीक है फिर उसके बाद जो स्टैचू है वो हमें एक आ, काम और नज़र आता है कि वो सेलो बर्ड को देता है वो क्या काम देता है कि ए, फिर वो कहता है कि जो तुम मेरी दूसरी आँख का सफायर स्टोन है वो तुम एक लिटिल गर्ल जो मैच बेचती है उसको दे दो क्योंकि उसका बाप उसको मारता है जब वो उसको कम पैसे देती है तो वो कहता है कि तुम ये भी जो मेरा सफ़ायर स्टोन है वो भी इसको दे दो ताकि उसकी हेल्प हो सके ठीक है वापस आता है तो वो जो है वो उसके शोल्डर पर बैठ जाता है स्वेलो और वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसको बताने लगता है तो उसने रास्ते में इन लोगों को देखा इन लोगों को देखा लोग ऐसे हैं वैसे हैं हर चीज़ के बारे में जो है ना वो उसको स्टैचू को बताता है बर्ड अब जो है वो स्टैचू उसे कहता है कि तुम पूरे टाउन का विज़िट करके आओ ठीक है उड़ो और सारे लोगों की टाउन को विज़िट करो कि कौन लोग कैसे हैं और फिर मुझे आगे बताओ तो अब बर्ड भी इसी तरह से करती है कि वो सारा जो टाउन है वो घूमती है और फिर आके बताती है कि लोग रिच लोग जो हैं वो अपनी पार्टीज़ में अपनी जो है ना वो ख्वाहिश में जो है ना वो इन्वॉल्व हुए हुए हैं और गरीब जो हैं वो खाने पीने से भी गए हैं यानी कि वो उनके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं हैं तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसको बताई जाती हैं फिर क्या करता है हैप्पी प्रिंस जो स्टैचू है वो डिसाइड करता है कि जो उसके ऊपर गोल्डन लेयर है यानी कि जो गोल्डन जो उसका स्टैचू बना हुआ है पूरा गोल्ड का वो उतारो और उन लोगों को दे दो उन गरीब लोगों को दे दो ताकि उनकी गोल्डन शीट्स जो मेरे ऊपर लगी हुई हैं उनके थ्रू उनकी हेल्प हो सके जब उसके ऊपर से रेड सफायर उसकी आइज़ में से ख़त्म हो जाता है उसकी स्वर्ड में से रेड रूबी ख़त्म हो जाता है उसके ऊपर से सारा गोल्ड शीट्स ख़त्म हो जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा डल और ग्रे लगने लगता है यानी कि बदसूरत जिस तरह से टाउन के लोग उसको एडमायर करते थे उसे जो है वो आते जाते देखते थे और इम्प्रेस होते थे उसको देख के स्टैचू को देख के अच्छा कहते थे ब्यूटीफुल कहते थे अब लोग उससे जो है वो उसको पसंद नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बदसूरत लग रहा है अब क्योंकि उसके पास कोई चीज़ रही नहीं है ठीक है लेकिन उसने ये सारी चीज़ें करके हेल्प कर दी है दूसरे लोगों की बच्चों की गरीब लोगों की ताकि वो खुश हो सकें और अपनी हैप्पी लाइफ गुजार सकें अब एट लास्ट हमें क्या दिखाई देता है कि जो स्वेलो बर्ड है उसकी सर्दी की वजह से हा डेथ हो जाती है और वो मर जाती है ठीक है यानी कि स्टैचू भी अब किसी काम का नहीं रहा और स्वेलो बर्ड की जो हेल्प करती थी लोगों की उसकी भी डेथ हो जाती है अब टाउन के जो मायर आ, मेयर है वो आके बोलता है कि इस स्टैचू को जो है वो मेल्ट करके एक नया स्टैचू बना देना चाहिए कुछ लोग कहते हैं कि हमारी तरह का स्टैचू बनाना चाहिए मतलब हमारी मर्जी का स्टैचू बनाना चाहिए और कुछ लोग जो मेयर है उस पूरे टाउन का वो कहता है कि मेरी चॉइस का जो है वो स्टैचू होगा एनी इसी तरह से चलता रहता है और एक एंड पे हमें जो है वो एक नया स्टैचू बना दिया जाता है अब पूरा स्टैचू जब वो मेल्ट कर रहे होते हैं तो उस पूरे स्टैचू में जो स्टैचू का दिल होता है यानी कि हार्ट होता है वो मेल्ट नहीं होता क्योंकि बिकॉज ऑफ वो प्योर है ठीक है इसी वजह से वो मेल्ट नहीं हो रहा तो वो क्या करते हैं जो लोग होते हैं जो मेल्ट कर रहे होते हैं उस स्टैचू को वो उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं जहाँ पे स्वेलो बर्ड को उन्होंने फेंका होता है ठीक है क्योंकि लोग ये समझते हैं कि ये हमारे लिए यूज़लेस है इसको हमने क्या करना है लेकर या इसको अपने संभाल के क्या करना है तो फिर गॉड जो है वो अपनी टू एंजल्स को भेजता है कि तुम जो है ना वो अर्थ में जाओ और दो ऐसी प्रीशियस चीज़ें लेकर आओ ऐसी खूबसूरत और जो है ना वो प्रीशियस चीज़ें लेकर आओ तो आ, वो क्या करती है टू टू एंजल्स क्या करती हैं जो स्वेलो बर्ड होती है उसकी बॉडी और जो स्टैचू का हर्ट होता है वो गॉड के पास लेकर आती है और गॉड उसे जो है ना वो पूरे आ, जो ए, ए, मतलब कि यानी कि जब हम कहते हैं कि हम जो है अगर अच्छे अमाल करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे तो गॉड भी इसी तरह से करता है क्योंकि वो अच्छे अमाल करते हैं तो उसे जो है वो जन्नत में भेजने का फ़ैसला करता है गॉड तो बेसिकली ये स्टोरी मैंने आपको बताया विक्टोरियन एज की पॉवर्टी को सबसे पहले शो करती है कि लोग जो हैं वो गरीब हैं ठीक है कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर रहा रिच जो है वो बहुत ज़्यादा रिच हैं और रिच जो है वो एक्सप्लॉयड कर रहे हैं लोअर क्लास के लोगों को ठीक है उनके नज़दीक लोअर क्लास की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ठीक है एक चीज़ मैंने ये बताई दूसरी चीज़ इसमें ये इन्वॉल्व होती है इसके थीम में कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपको एंड में रिवॉर्ड भी अच्छा ही मिलेगा जिस तरह से स्वेलो बर्ड और स्टैचू ने हेल्प की लोगों की इस तरह से इसीलिए उनको एंड में गॉड ने अच्छा रिवॉर्ड दिया उनको जन्नत में भेज के तो इसी तरह से स्टोरी जो है वो एंड होती है आई होप कि आपको ये सारी स्टोरी जो है वो समझ में आ गई होगी और मैंने अच्छे से आपके साथ एक्सप्लेन भी कर दी होगी इसमें से जो इंपॉर्टेंट कोटेशन हैं वो आप लोगों ने देख लेनी है जो आपको याद हो सके नहीं तो समरी आपने अच्छे तरीके से जो है ना वो पढ़ लेनी है इसके थीम्स पढ़ लेने हैं ठीक है इसकी सेंट्रल आइडिया पढ़ लेना है इसके लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ लेनी है किस तरह से कौन सी चीज जो है ना वो सिंबलाइज कर रही है अब नेक्स्ट स्टोरी जो है वो हमारी है दाइटिंग नाइटिंगेल एंड दी रोज अब ये भी जो है वो ऑस्कर वाइल्ड नहीं लिखी है और ये ट्रैजिक फैंटसी है लास्ट पोएम जो अ, स्टोरी जो हमने पढ़ी है वो शॉर्ट स्टोरी है और वो फेरी टेल है जो ये वाली स्टोरी है वो ट्रैजिक फैंटसी है क्योंकि इसमें हमें ट्रैजिडी भी मिलती है और फैंटसी भी मिलती है अब बेसिकली ये स्टोरी बच्चों को सुनाने के लिए लिखी गई थी और ये बच्चों के लिए ही लिखी गई थी क्योंकि इसमें हमें दिखाया गया है कि किस तरह से लव जो है वो यूज़लेस है ठीक है कुछ लोगों के लिए लव जो है वो यूज़लेस है लोग जो हैं वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जो है ना वो एक दूसरे से जो है ना वो एक रिलेशन रख रहे होते हैं बेसिकली तो एनी वेज़ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें जो है ना राइटर दिखाता है कि एक पार्टी चल रही है और उस पार्टी में सब लोग इंजॉय कर रहे हैं डांस कर रहे हैं आपस में ठीक है उसी पार्टी में हमें एक करेक्टर दिखाया जाता है स्टूडेंट का अब वो जो है वो स्टूडेंट चाहता है कि वो प्रोफेसर की बेटी के साथ एक प्रोफेसर की बेटी भी है करेक्टर उसके साथ वो डांस करे क्योंकि उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद है वो उससे प्यार करता है तो वो उसके साथ डांस करना चाहता है जब वो उसे डांस के लिए पूछता है या कहता है तो प्रोफेसर की बेटी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ उसी बेस पर डांस करूँगी अगर तुम मुझे रेड रोज ला कर दो तो स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसके लिए रेड रोज़ ढूँढने के लिए निकल जाता है जब वो गार्डन में जा के देखता है उसे रेड रोज़ कहीं पे भी नहीं मिलता वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है उसे ये फ़ील हो रहा होता है कि रेड प्रोफेसर की बेटी जो है वो अब उससे कभी भी बात नहीं करेगी ठीक है वो कभी भी उससे डांस नहीं करेगी या कभी भी उसको बुलाएगी नहीं क्योंकि मैंने उसकी ख्वाहिश को पूरा नहीं किया तो वो इसी सब में जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है इसी दौरान वो लिमिट कर रहा होता है यानी कि रो रहा होता है क्राई कर रहा होता है कि वो कभी भी उसको यानी कि अपनी लव की जो फीलिंग्स हैं उसको जो है ना वो दिखा रहा होता है ये सब जब वो कर रहा होता है तो नाइटिंगेल जो है वो हमें दिखाई देती है और नाइटिंगेल क्या करती है वो स्टूडेंट की बातें सुन लेती है जो वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा होता है वो गर्ल की आ, मतलब गर्ल के साथ तो वो उसको सुन लेती है ठीक है फिर नाइटिंगेल जो हमें दिखाई जाती है कि वो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना प्यार करने वाले लोगों की हेल्प करती है और उसके लिए लव जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ में ठीक है तो इसी वो अब चाहती है कि वो नाइटिंग जो है वो हेल्प करे स्टूडेंट की उसको रेड लोज ला कर दे ताकि वो हैप्पी हो सके अब इसी तरह से नाइटिंग जो है वो डिसाइड कर लेती है कि मैं उसको लोज रा कर दूंगी स्टूडेंट को ताकि वो खुश हो सके अब नाइटिंगेल जो है वो इसी चीज को ढूंढने के लिए निकल जाती है वो गार्डन में जाती है ठीक है जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं फ्लावर्स के अब वो सबसे पहले ट्री के पास जब जाती है तो वो ट्री उसे कहता है उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे जो है वो रेड रोज दे सकते हो तो ट्री उसे बोलता है कि नहीं मैं तो तुम्हें वाइट रोज़ ही दे सकता हूँ मेरे पास रेड रोज़ नहीं है वो आगे जाती है फिर उससे पूछती है फिर उसे वो कहता है सेकेंड ट्री उसे कहता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं दे सकता मेरे पास येलो फ्लावर है तो ये सारी चीज़ें आपने लाइन बाई लाइन याद रखनी है कि फर्स्ट ट्री के पास गई फिर उसको वाइट रोज़ मिला ठीक है उसने कहा कि नहीं मुझे रेड रोज़ चाहिए फिर सेकेंड के पास गई उसको रोज़ मिला ठीक है ये सारी चीज़ें आपने लाइन बाय लाइन बतानी है उसके बाद थर्ड ट्री के पास जब जाती है तो वो जो अब बेसिकली वो जो थर्ड ट्री है वो स्टूडेंट के रूम के बिल्कुल बाहर होता है यानी कि उसकी विंडो से वो ट्री नजर आ सकता है तो वो जब उस ट्री के पास जाती है उससे कहती है तो ट्री उसे कहता है कि मैं तुम्हें हाँ मैं तुम्हें रेड रोज दे सकता हूँ अगर तुम मेरी हेल्प करो अब बेसिकली वो उससे हेल्प करवाना चाहता है तब जाके वो उसे रेड रोज देगा अब इस तरह का मौसम चल रहा है उस टाइम पीरियड में कि रेड रोज़ बनाना इम्पॉसिबल बात है लेकिन फिर भी वो उसे कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो ताकि मैं तुम्हें जो है ना वो रेड रोज़ दे सकूं अब वो जब वो नाइटिंग गेल उससे पूछती है कि क्या हेल्प कर सकती हूँ तो वो उसे कहता है कि तुम ने सारी रात अपना जो गाना है नाइटिंग गेल वाला जो खूबसूरत आवाज़ है वो तुमने निकालनी है और अपना जो दिल है वो मेरे थॉन के अंदर गाड़ना है ताकि जो तुम्हारे दिल का जो खून है वो मेरे जो है ना जड़ों में आ जाए और मैं रेड रोज को पैदा कर सकूँ प्रोड्यूस कर सकूँ ठीक है अब ये सारी जो वो कॉन्सेप्ट है वो उसके साथ शेयर करता है कि तुमने इस तरह से करना है नाइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है वो मरना नहीं चाहती लेकिन फिर भी उसे ये सब करना पड़ता है उस स्टूडेंट के लिए क्योंकि वो लव को बचाना चाहती है उसके लिए लव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो नहीं चाहती कोई इंसान एक इंसान के लिए रोए लव के लिए तो वो ऐसा ही करती है वो एक्सेप्ट कर लेती है अपनी लाइफ की परवाह किए बग़ैर वो जो है वो अपना नाइटिंगेल सॉन्ग जो है वो गाती है और अपना जो दिल है वो उसके थॉन में जो है ना वो दसा देती है और फिर जो है वो उसकी यानी कि उसका जो रेड ब्लड है वो हमें फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस करता हुआ ट्री नज़र आता है सबसे पहले वो ट्री जो है वो वाइट प्रोड्यूस करता है फ्लावर ठीक है उसके बाद वो पिंक कलर का होता है और सुबह होते होते वो जो है वो रेड कलर का हो जाता है जो उसका जो ट्री है जो कमिटमेंट की होती है उसने नाइटिंगेल के साथ कि जब सुबह होगी मैं तुम्हें रेड रोज़ दे दूंगा वो कमिटमेंट ख़त्म हो जाती है और इसी के साथ जो है ना वो नाइटिंगेल की भी डेथ हो जाती है जब आ, वो स्टूडेंट ये फ्लावर देखता है कि रेड रोज़ उसकी जो है ना ट्री में से आ गया है तो वो जल्दी से उसको तोड़ता है और उस प्रोफ़ेसर की बेटी के पास जाता है जब वो प्रोफ़ेसर की बेटी के पास जाता है तो प्रोफ़ेसर की बेटी बेटी जो है वो इसको रिजेक्ट कर देती है उस स्टूडेंट को और उसका फ़्लावर लेने से भी उसको रिजेक्ट कर देती है वो उसे किसी और चीज़ के बारे में जो है वो बताती है कि तुम मुझे ये चीज़ नहीं लेकर दे सकते मेरे लिए कोई और आएगा और मुझे ये चीज़ लेकर देगा बेसिकली उसे जो है ना वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की जो है ना वो एक ना वो ख्वाहिशात को पूरा करना चाहती है ठीक है लेकिन जो स्टूडेंट है वो उससे ट्रू लव करता है इसी वजह से वो उसके लिए हर चीज़ करने को तैयार होता है लेकिन वो कभी भी स्टूडेंट से खुश नहीं होती है ठीक है तो वो जो गर्ल है वो बताती है स्टूडेंट को कि मैं अब रेड रोज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ जब बॉय जो स्टूडेंट है वो ये सब सुनता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसकी जो थिंकिंग होती है लव से रिलेटेड वो बिल्कुल टोटली totally चेंज हो जाती है और वो रेड रोज़ को फेंक देता है ठीक है जो रेड रोज़ नाइटिंग ने उसको अपने खून से बना कर दिया था वो वो रोज़ फेंक देता है ठीक है यानी कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है वो उसको फेंक देता है और वो एंड में ये हमें कहता हुआ दिखाई देता है स्टूडेंट कि लव जो है वो बेफजूल है यानी कि कोई इंपॉर्टेंस नहीं है लव जो है बेफजूल है इसको जो है वो करना ही नहीं चाहिए किसी के साथ ठीक है एज कम्पेयर टू लॉजिक लव को लॉजिक के साथ कंपेयर करता है कि इसके इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है ठीक है इसकी कोई सेंस ही नहीं है ये बेफजूल चीज़ है तो वो अपनी स्टोरी को यहाँ पे हमें जो है ना वो एंड करता हुआ दिखाई देता है अब बेसिकली ये जो स्टोरी है वो हमें ये चीज़ बता रही है कि नेचर हमेशा जो है वो लोगों की हेल्प करती है अपने डिफरेंट एक्सपेक्ट्स की वजह से लेकिन जो इंसान है जो ह्यूमन है वो उसकी कभी भी कदर नहीं करता इसी तरह से अगर आप इस तरह भी कहो कि एक पर्सन जो आपसे ट्रू लव करता है आपकी हेल्प करता है हमेशा जो है वो आपको चाहता है कि आप उसके क्लोज़ रहो आप उससे जो है वो लव करो जैसे आप उससे लव करते हो तो वो आपकी क़दर नहीं करता इसी तरह से नेचर भी जो है वो आपको आपकी हेल्प करती है जो लेकिन इंसान जो है ह्यूमन है वो उसकी कदर नहीं करती है जिस तरह से नाइटिंगेल ने उसकी कदर करना चाहिए उसकी हेल्प करना चाहिए लेकिन स्टूडेंट ने उसकी कदर नहीं की उसका जो फ्लावर था वो फेंक दिया और दूसरी तरफ हमें ये दिखाई देता है कि जो प्रोफेसर की बेटी है उसने भी लव की उसके पास भी कोई कदर नहीं है उसके पास कोई इंपॉर्टेंस नहीं है लव की उसके लिए लव जो है वो बेफजूल चीज़ है तो उसने भी जो है ना उसको स्टूडेंट की रेड रोज को रिजेक्ट करके दूसरा इंटरेस्ट शो किया अपना आई होप कि यहाँ तक जो दो स्टोरीज़ हैं वो क्लियर आपको हो गई होंगी आप लोगों ने जो है ना इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेने हैं इसकी समरी जो मैंने आपको डिस्कस की है जो थीम्स इसके डिस्कस किए हैं जो कमेंट्री आपने पढ़ लेनी है कि ताकि आपको पता चल जाए कि राइटर के वे से और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपने समरी या पेपर में किस तरह से अटैम्प्ट करनी होती है स्टोरी एंड में जो ये एक्टिविटी है उनके क्वेश्चंस आपने लाजमी सॉल्व करने की कोशिश करनी है ताकि आपको एक सेटिसफेक्शन मिल सके कि मुझे ये चीज़ आती है तो यहाँ पे मैं इनको आपको ना सॉल्व करके नहीं बता रही आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आप इसे सॉल्व कर सके हैं मेरा कॉन्सेप्ट लेकर या नहीं उसके बाद लेसन नंबर फ़ाइव की तरफ आते हैं जो हमारा राइटर अब हमें मिलता है सबसे पहले राइटर हमने पढ़ा था ओ हैंनरी ठीक है उसके बाद हमने पढ़ा ऑस्कर वाइल्ड उसकी हमने दो स्टोरीज़ पढ़ी ओ हैंनरी की हमने दो स्टोरीज़ पढ़ी अब हम लेसन नंबर फ़ाइव में पढ़ने लगे हैं गे दी मुपसेंट अब इसका जो राइटर है वो हमें बॉर्न हुआ था एटीन फिफ्टी में और इसकी डेथ हुई थी एटीन थ्री में अब ये पॉपुलर ये जो पोइट है सॉरी राइटर है वो पॉपुलर नाइनटीन सेंचुरी फ्रेंच राइटर है इस जनरली कंसिडर्ड वन ऑफ द फ़ादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी अब बेसिकली गे मोपसेंट जो है वो नाइनटीन सेंचुरी का राइटर है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है नाइनटीन सेंचुरी में फ्रेंच राइटर है मॉडर्न पोइट शॉर्ट स्टोरीज ये लिखता है बेसिकली इसकी जो राइटिंग में हमें मॉडर्निज़म जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिलती है मॉडर्न टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है ठीक है तो इस चीज़ के ऊपर बात की जा रही है उसके बाद ये जो है थ्री हंड्रेड शॉर्ट स्टोरीज़ इसने लिखी सिक्स नॉवल्स लिखे थ्री ट्रैवल बुक्स लिखी अब ये फेमस जो है वो दी नेकलेस की वजह से ये फेमस है बेसिकली और दी डेवल की वजह से अपनी दो स्टोरीज़ की वजह से ये फेमस दिखाई देता है क्योंकि इसकी स्टोरीज़ में हमें मॉडर्निज्म का थीम बहुत ज़्यादा मिलता है मॉडर्निज्म का थीम किस तरह से कि जिस तरह से मॉडर्न टाइम पीरियड में लोग होते थे उस तरह के लोग जो हैं वो हमें इसकी राइटिंग में देखने को मिलते हैं या ये उस तरह से डिपिक्ट करता है अपनी राइटिंग को अच्छा अब फर्स्ट uh, पे हमें जो है इसका वर्ड मिलता है दी नेकलेस अब इसकी समरी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ठीक है अब uh, हमें जो है स्टार्ट में करेक्टर दिखाया जाता है मैडम मेथल्टे का अब ये जो है वो बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है लेकिन ये रिच फैमिली Uh, मतलब कि रिच होना चाहती है ठीक है जिस तरह से ये रिच लोगों को पसंद करती है और उनके जो लाइफ स्टाइल है उनसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस है ये चाहती है कि ये भी रिच लोगों की तरह रहे पार्टीज़ अटेंड करे अच्छे कपड़े पहने अच्छे ज्वेलरी पहने इन चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है और ये चाहती है कि उनकी तरह बनना लेकिन अब ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और इसकी शादी भी ज़ाहिर ही बात है कि मिडिल क्लास लड़के के साथ ही इसकी शादी जो है वो करा दी जाती है अब लोअर क्लास से वो बिलोंग करता है यानी कि मिडिल ही इससे बिलोंग करता है वो हस्बैंड इसका जिसका नाम है मिस्टर लोअसल अब ये जो है वो क्लर्क है और हर इसके घर में हर एक बेसिक चीज़ है लेकिन जो जिस तरह से ये लाइफस्टाइल गुजारना चाहती है अच्छे कपड़े अच्छे ज्वेलरी महंगी ज्वेलरी महंगे कपड़े ये सारी चीज़ें ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि मिस्टर लॉजिल जो है वो क्लर्क है उसकी इतनी इनकम नहीं है कि वो अच्छे कपड़े या महंगे कपड़े ख़रीद सकें ठीक है अब इनके घर में एक सर्वेंट दिखाई जाती है जो इनका काम करती है लेकिन इसको जो मैडम मिथलडी है इसको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही होती क्योंकि वो अपना लाइफ स्टाइल इस तरह का नहीं चाहती वो अपनी हर बार अपनी ब्यूटी को सोचती है अच्छे कपड़ों को सोचती है रिच क्लास के लोगों के बारे में सोचती रहती है उसकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा सैड रहती है इसी वजह से ठीक है हमें जो है वो स्टोरी में बहुत ज़्यादा सैड दिखाई देती है अब एक दिन क्या होता है कि जो इसका हस्बैंड है मिस्टर लॉजिल वो इसको आगे बताता है कि इन लोगों को एक बॉल यानी कि एक पार्टी का जो है ना वो इनविटेशन आया है और इनको अब उस पार्टी में जाना है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ़ से इनको इनविटेशन आया है बेसिकली अब पार्टी में जाने के लिए उसको कहता है कि तुम तैयार हो जाओ लेकिन जो मैडम मिथालडे है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है सैड हो जाती है क्योंकि इसके पास कोई पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं ठीक है वो बहुत ज़्यादा सैड है और बहुत ज़्यादा जो है ना वो कहती है कि मैं क्या कपड़े पहन के जाऊँ मैं इस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास कुछ पहनने को नहीं है तो अब जो है वो उसका हस्बैंड दूसरी तरफ उसे कहता है कि एक अच्छा ड्रेस जो है वो कितने पैसों में आ जाएगा वो उससे पूछता है तो वो उसे बताती है कि इतनी अमाउंट मुझे चाहिए पैसों की तो मुझे दे दो तो ताकि मैं अपने लिए कोई ड्रेस ले सकूं ठीक है तो वो जो उसका हस्बैंड है मिस्टर लॉजल वो उसको जो है वो अमाउंट दे देता है जो उसने अपने लिए सेव की होती है ताकि वो एक गन खरीद सके और हंटिंग के लिए जा सके अपने फ्रेंड्स के साथ वो बड़ी मुश्किल से जो है ना अपने दिल पे पत्थर रख के उसको वो पैसे दे देता है ताकि उसकी जो वाइफ है वो खुश हो सके उससे ठीक है और अपने लिए नए कपड़े ख़रीद सके अब जो मैडम मिथालडे है वो ये सोचती है कि कपड़ों के पैसे तो मैंने ले लिए हैं लेकिन मैं ज्वेलरी क्या पहनूंगी वो फिर दोबारा से सैड हो जाती है तो उसका जो हस्बैंड है वो उसे कहता है कि तुम फ्लावर की ज्वेलरी पहन लो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होगी और अच्छी भी लगेगी लेकिन जो मैडम मिथालडे है वो इस चीज़ को एग्री नहीं करती क्योंकि वो फ़्लावर की ज्वेलरी पहना नहीं चाहती वो कहती है कि ये अच्छी नहीं लगेगी मेरे ड्रेस के साथ और वो इसको रिजेक्ट कर देती है उसका जो हस्बैंड है मिस्टर लॉजल वो उसे एडवाइस करता है सजेशन देता है कि तुम अपनी फ्रेंड जो तुम्हारी फ्रेंड है मैडम जेन फ्रोस्टियर उसके पास जाओ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच है और उससे ज्वेलरी बोरो कर लो एक दिन के लिए या एक रात के लिए ठीक है तो वो उससे बहुत ज़्यादा खुश होती है ये सजेशन सुन के और वो ऐसा ही करती है मैडम जैन के पास जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच है उसके पास बहुत महंगे महंगे जो है ना वो ज्वेलरी है मैडम जैन को वो कहती है सारा बताती है कि मुझे बॉल का इन्विटेशन आया है और मैं ज्वेलरी बोरो करने के लिए आई हूँ मैडम जैन जो है वो उसे बहुत ज़्यादा ज्वेलरीज अपनी दिखाती है और कहती है कि तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो ठीक है अब उस ज्वेलरी में से जो मैडम मिथालडी है वो एक डायमंड नेकलेस को जो है ना वो पसंद कर लेती है और वो उसको लेके जाने का बोलती है मैडम जेन जो है वो एग्री हो जाती है उसको देने के लिए और वो उस नेकलेस को लेकर डायमंड नेकलेस को लेकर चली जाती है जब वो बॉल में जाती है बहुत ज़्यादा अच्छा ड्रेस पहन के नेकलेस पहन के सब लोग उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं बहुत ज़्यादा लोग उसे पसंद करते हैं सब लोग चाहते हैं सब जो लड़के हैं उस बॉल में आए हुए वो चाहते हैं कि वो मैडम दे जो है वो उसके साथ डांस करे उस बॉल में ठीक है बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं अपनी पार्टी को ठीक है जब वो वापस आते हैं घर पे तो मैटम मिठाल दे जो है वो एक दफ़ा फिर अपना मिरर देखना चाहती है उस सूट को उस नेकलेस को उतारने से पहले ताकि क्योंकि वो ये समझती है कि लास्ट टाइम मैंने ये पहना था और मतलब पता नहीं दोबारा कब मुझे मौका मिले ऐसा तैयार होने का ऐसा ड्रेस पहनने का और ऐसी ज्वेलरी पहनने का वो जब मिरर में अपने आप को देखने के लिए जाती है तो वो क्या देखती है कि उसके जो नेक में नेकलेस नहीं होता ठीक है उसका नेकलेस जो है वो ग़ायब होता है वो अपने हस्बैंड को मिस्टर लॉयजल को बताती है कि नेकलेस जो है वो मेरे पास नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं अपने घर में ढूंढते हैं इवन के जो उसका मिस्टर लॉयजल है उसका हस्बैंड है वो पैदल भी उस बॉल तक जाता है कि ताकि कोई रास्ते में ना गिर गया हो या फिर बॉल में ना गिर गया हो ठीक है उस पार्टी में ना गिर गया हो लेकिन उनको कहीं पर भी नहीं मिलता हो अब वो जो है वो डिसाइड करते हैं दोनों कि वो उस नेकलेस को रिप्लेस कर देंगे और एक नया नेकलेस उसकी उसको लाकर दे देंगे मैडम जेन को अब वो इसी तरह से करते हैं जो मिस मिस्टर लॉजल है वो मैडम मिथालडे को यानी कि अपनी वाइफ को कहता है कि तुम जो है वो मैडम जेन के पास जाओ और उसे कहो कि मेरी जो नेकलेस की तुम्हारी जो नेकलेस है उसका हुक टूट गया है तो वो मैं तुम्हें कुछ दिन में लुटा दूंगी उसको ठीक करके तो मैडम मिथालडे जो है वो इसी तरह से करती है और अपनी फ्रेंड को जा इसी तरह से कहती है कि तुम्हारी जो है वो हुक टूट गया है नैलेस का और मैं कुछ दिनों में जब वो ठीक होकर आएगा मेरे पास तो मैं तुम्हें वापस कर दूँगी मैडम जेन जो है उसे कुछ भी नहीं कहती है और वो वहाँ से चली जाती है ठीक है उसके बाद वो जो है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में जाते हैं उस नेकलेस को ढूंढते हैं कि वो उन्हें मिल जाए उस तरह का नेकलेस उन्हें मिल जाता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है उनको उनके पास इतने मनी नहीं होती कि वो उसको ख़रीद सके फिर भी वो बहुत ज़्यादा बार्गनिंग करते हैं शॉपकीपर के साथ और एंड में वो जो नेकलेस था वो ख़रीद लेते हैं और मैडम जो मिथालडे है वो नेकलेस उसको लाकर दे देती है अपनी फ्रेंड को मैडम जेन को ठीक है मैडम जेन जो है वो उस नेकलेस को देखती भी नहीं है और उसको रख देती है साइड पे ठीक है यानी कि उसको खोल के चेक भी नहीं करती और रख देती है ठीक है उसके नज़दीक उस नेकलेस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं वो रख देती है ठीक है अब क्या होता है नेक्स्ट हमें दिखाई देता है कि वो अब वो, बेसिकली उन्होंने जो वो नेकलेस ख़रीदा होता है उनको कुछ अमाउंट वो पे कर देते हैं शॉपकीपर को और कुछ जो हैं वो कर्जे की तरह वो उसको दे रहे होते हैं ठीक है कि यानी कि आप आपको देखा होगा कि जो कर्ज़ा आप लेते हो किसी से आप बाय करते हो कोई चीज़ सॉरी बोरो करते हो और आप कहते हो कि मेरे पास इनफ़ मनी नहीं है मैं आपको कुछ टाइम में ये जो है ना वो लुटाता रहूँगा यानी कि हर मंथ आपको लुटाता रहूँगा वापस करता रहूँगा या मैं कुछ दिनों में आपको करता रहूँगा तो इस तरह से एक कमिटमेंट की जाती है ठीक है तो इसी तरह से वो लोग भी जो हैं वो हस्बैंड वाइफ जो मैडम मिठालडे है और मिस्टर लोएस है दसल है वो जो है वो कमिटमेंट कर लेते हैं शॉपकीपर के साथ कि हम आपको ये पेमेंट हर मंथ देते रहेंगे अब जो ये चेंजमेंट आ जाती है इस सब की वजह से नेकलेस घूमने की वजह से और इनके कर्जाई होने की वजह से मैडम मिठालते जो हैं वो जिस तरह से अपनी ब्यूटी की केयर करती थी हर टाइम जो है वो रिच होने का ख्याल रखती थी कि मैं कब रिच होंगी और मेरे पास कब इतना पैसा आएगा मैं कब अच्छे कपड़े पहनूँगी नेकललेस लूँगी और ज्वेलरी लूँगी अच्छी अब वो बिल्कुल जो है वो डिफरेंट हो गई है उसकी थिंकिंग जो है वो डिफरेंट हो गई है और वो एक हाउस वाइफ़ बन गई है जिस तरह से एक हाउस वाइफ अपनी हाउस को संभालती है ग्रॉसरी करने जाती है अपने घर का अपने बच्चों का अपने हस्बैंड का ख्याल रखती है इसी तरह से मैडम मिठाले भी जो हैं वो अब इस तरह से करने लगती हैं अपने हस्बैंड का ख्याल रखती हैं ग्रॉसरी करने के लिए जाती हैं वेजिटेबल्स लेने के लिए जाती हैं और वो टोटली totally डिफरेंट हो चुकी हैं अब बेसिकली वो दोनों जो हैं वो काफ़ी टाइम काफ़ी लंबे अरसे तक बहुत मुश्किल लाइफ गुजारते हैं क्योंकि वो जो हैं वो कर्ज़ा दे रहे होते हैं यानी कि जो मिस्टर लोजल हैं वो दो जॉब कर रहा होता है और जो मैडम लोस मिथालडे है वो भी उसकी हेल्प कर रही होती है ठीक है वो भी उसको जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस के लिए नहीं कहती रिच होने की बातें नहीं करती तो वो दोनों बड़ी जो है ना गरीब हो जाते हैं इवन के वो अपना घर जो होता है वो भी सेल कर देते हैं और जो उनकी सर्वेंट होती है उसको भी जाने का बोल देते हैं क्योंकि पास उनके पास इतनी ज़्यादा मनी नहीं होती कि वो सर्वेंट को भी रख सकें और एक अच्छा बड़ा घर भी डिज़र्व कर सकें तो वो एक छोटे घर में जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं दो जॉब्स कर रहे होता है उसका हस्बैंड और वो सर्वेंट को भी निकाल देते हैं इसी वजह से यानी कि वो बहुत मुश्किल और डिफ़िकल्ट लाइफ और डेज़ को जो है वो गुजार रहे होते हैं अब हमें क्या दिखाया जाता है कि बहुत जो दस साल गुजर जाते हैं या इससे भी साल जो है जब गुजर जाते हैं तो उनका कर्ज़ा जो है वो ख़त्म हो जाता है और वो इन सारी मुश्किल से इन सारी डिफ़िकल्टीज से पेन से ट्रबल से वो जो है वो फ्री हो जाते हैं निकल जाते हैं एक दिन जो है वो मिथालडे हमें दिखाई जाती है कि वो जैन उसको मिलती है लेकिन जैन उसे मिलने से इनकार कर देती है क्योंकि मिथालडे की जो अपेयरेंस है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो चुकी होती है जैसे पहले मैडम मिठालडे थी जिस तरह से नज़र आती थी वो उस तरह से नहीं नजर आती है क्योंकि एक आपने देखा होगा जो रिच क्लास के लोग हैं उनकी अपेरेंस डिफरेंट है जो लोअर क्लास लोग हैं उनकी अपेयरेंस डिफरेंट है देखने से ही पता चल जाता है तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर शेयर किया गया है कि जेन भी उसको पहचानने से इनकार कर देती है तो उसे जो है मैडम मिठाल बताती हैं कि मेरी जो अपेरेंस की ये वजह है कि मैं बहुत गरीबी में और गुरबत में और जो है ना बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ मैंने जो है वो फ़ेस की है बहुत डिफ़िकल्ट डेज मैंने फ़ेस किए हैं जब मैडम जेन जो है उसे पूछती है इस सब की वजह तो वो उसे बताती है उसे सारा कुछ सच बताती है एट द एंड जब वो डिफ़िकल्ट डेज से निकल जाती है फिर वो उसे मैडम जेन को सारा सच बताती है कि तुमने मुझे जो मैंने तुमसे नेकलेस लिया था वो मेरे से गुम हो गया था और मैंने तुम्हें रिप्लेस करके कोई और नेकलेस जो है ना वो डायमंड का ला दिया था अब उसमें हमें एंड में क्या ट्रैजिक एंड दिखाया जाता है कि एंड में हमें दिखाया जाता है कि जो वो नेकलेस था वो डायमंड का नहीं था यानी कि वो रियल डायमंड का नहीं था वो असली नहीं था ठीक है वो फेक था तो जेन उसे बताती है मैडम जेन जो उसकी फ्रेंड है उसे बताती है कि ये जो नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था वो नकली था वो असली नहीं था और इसी के साथ जो है वो स्टोरी एंड हो जाती है बेसिकली ये स्टोरी हमें ये बता रही है कि अगर वैल्यू ऑफ हनस्टी का बता रही है अगर मैडम जो मेथालडे है वो उसे स्टार्ट में ही बता देती कि तुम्हारा जो ज्वेलरी है या डायमंड नेकलेस है मेरे से गुम हो गया है तो उसे ये सब मुश्किल डेज ना फेस करने पड़ते ठीक है उसे अपना घर सेल ना करना पड़ता वो एक अच्छी लाइफ गुजार रही होती हैं इससे भी अच्छी जो है वो रिच लाइफ को अचीव कर चुकी होती एक चीज़ ये बताई जा रही है वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी जो मैंने आपको बताया कि वो अगर पहले बता देती है ऑनेस्टली ठीक है दूसरी चीज़ रियलिटी वर्सेज़ अपीरेंस कि अगर आप पुअर बी हो मिडिल क्लास बी हो तो आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करो और अपने अच्छे डेज के लिए वर्क करो हार्ड वर्क करो और जो रिचनेस है उसको अचीव करो तो ये इसमें जो दो थीम्स हैं वो हमें नज़र आते हैं और ये जो स्टोरी है हमें इन थीम्स के बारे में जो है ना वो लेसन दे रही है बेसिकली आई होप कि ये वाली स्टोरी भी आपको क्लियर हो गई होगी इसकी कमेंट्री आती है कमेंट्री आपने ज़रूर पढ़नी है ताकि आपको आइडिया हो सके ठीक है आपने सिर्फ मेरा कॉन्प्ट सुनना है स्टोरी किससे रिलेटेड है क्या क्या मेन चीज़ें हैं मैंने इतनी लंबी स्टोरी हर माइनर हर मेजर करेक्टर हर छोटी से छोटी चीज़ आपको नहीं बताई है ताकि आपके लिए ईजी हो बस पढ़ो और समझ आ जाए दैट्स अगर आपको मैं हर एक छोटी चीज़ बताती तो आपके लिए उसको समझना मुश्किल था ठीक है इसीलिए आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है ठीक है स्टोरी सुनी समरी क्लियर की उसके बाद आपने कमेंट्री जो पढ़नी है टेक्स्ट बेशक ना पढ़ना एक्टिविटी को सॉल्व करना और कमेंट्री को पढ़ना ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है पेपर में अगर कोई सवाल आ जाता है तो आपने किस तरह से जो है ना वो सेंटेंसेस बना के लिखने हैं उसके बाद आपकी जो है वो आ जाते हैं एक्टिविटी आ जाती है जिसमें आपके सवाल आ जाते हैं ठीक है उनको आप लोगों ने पढ़ लेना है नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आते हैं दी डेवल अब दी डेवल एक अलग स्टोरी है जिसके थीम्स हमारे पास अलग आएंगे ठीक है तो आई होप कि ये तीन स्टोरीज जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस की हैं वो समझ में आ गई होंगी नेक्स्ट स्टोरी जो है हमारी उसके तरफ चलते हैं अब इस स्टोरी में हमें बेसिकली जो दी डेवल स्टोरी है इसमें हमें जो है ना वो गे दी वोपेसेंट हमें ग्रीड के बारे में दिखाते हैं कि हर पर्सन ही जो है ना वो ग्रीडी है अपनी उसको पड़ी हुई है वो सेल्फिश है ठीक है वो अपनी चीज़ों के ऊपर ही गौर कर रहा है दूसरे की उसको कोई परवाह नहीं है ठीक है तो इन चीज़ों के बारे में हमें जो है ना वो दिखाया जा रहा है अब एक मदर का करेक्टर हमें दिखाई देता है जो नाइन्टी टू ईयर्स की हमें दिखाई देती है और वो बहुत ज़्यादा बुरी है और डेथ बेड पे है यानी कि मरने के वो करीब है उसका सन दिखाया जाता है होनॉर ठीक है वो जो है वो बेसिकली किसान है ठीक है अब मदर जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है इसी वजह से डॉक्टर जो है उसके घर पर आया हुआ है डॉक्टर जो है उसे बताता है कि इसकी जो है वो डेथ होने वाली है ठीक है इसकी जो हेल्थ है वो इतनी अच्छी नहीं है इसीलिए इसका ख्याल रखो लेकिन जो उसका जो बेटा है हुनार वो उसे बोलता है डॉक्टर को कि मैं किसान हूँ और मैंने जो है वो फसल काटने के लिए जाना है इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है इनकी केयर करने के लिए ठीक है तो बेसिकली अब इसकी ग्रीड दिखाई जा रही है कि उसको सिर्फ अपनी पड़ी है उसको अपनी मदर की परवाह नहीं है ठीक है अब जब डॉक्टर जो है उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है इस बात पर उसे बोलता है कि अगर तुम उसकी केयर नहीं करोगे तो मैं कभी भी तुम्हारी चेकअप के लिए तुम्हारी माँ के लिए नहीं आऊँगा ठीक है तो वो उसे एक सजेशन देता है कि लार रेपिड जो एक लेडी है ओल्ड लेडी है जो बीमारों की बीमार लोगों का ख्याल रखती है ठीक है पूरे टाउन के बीमार लोगों का ख्याल रखती है तुम उसको अपने घर में बुला लो ठीक है अब डॉक्टर जो है वो उसको से सजेशन देता है और वहाँ से चला जाता है जो आ, उसका बेटा है हॉनर वो बेसिकली जो लाल रेपिड है वो नर्स है ठीक है जो लोगों का ख्याल रखती है अब जो दूसरी तरफ जो उसका बेटा है वो ला रेपेड के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम कितना चार्ज करोगी मेरी माँ की टेक केयर का जो ला रेपेड है वो कहती है कि मेरे जो हैं वो टू चार्जेस हैं रिच लोगों के लिए लहदा हैं पुअर लोगों के लिए लहदा हैं यानी कि वो अपनी ग्रीड को शो कर रही है वहाँ पर ठीक है कि उसने अपना एक जो है ना वो कंसेप्ट बनाया हुआ है कि रिच लोगों से मैं इतने चार्ज करूंगी पुअर लोगों से मैं इतने चार्ज करूँगी एनी स्टोरी जो है वो आगे जो है वो जाती है जब जो है ना वो ऑनर uh, जो है वो एक फिक्स रेट जो है ना वो सेलेक्ट कर लेता है उस ला रेपड ओल्ड लेडी के साथ यानी कि वो उसे जो है ना वो एक अमाउंट जो है वो फिक्स्ड कर लेता है कि मैं तुम्हें इतनी अमाउंट दूंगा तो तुम मेरी माँ की जो है ना वो केयर uh, करनी है तुमने ठीक है उसके बाद हमें दिखाई देता है कि uh, जब ला रेपड आती है उसके घर में ठीक है ओल्ड लेडी की जो केयर के लिए आती है ठीक है वो देखती है कि वो जो है ना प्रीस्ट को बुलाती है उनके घर में ठीक है उससे पूछती है कि क्या तुमने अपनी लास्ट रिचुअल्स अटेंड कर ली हैं क्योंकि वो बेसिकली इसी मकसद के लिए किसी के घर में जाती है कि किसी की डेथ होने के लिए ठीक है तो वो उसे लास्ट रिचुअल्स का पूछती है उस मदर से लेकिन उसकी मदर कहती है कि मैंने अटैम्प्ट नहीं किए हैं तो वो प्रीस्ट को बुलाती है और लास्ट जो रिचुअल्स हैं वो अटैम्प्ट करवाती है उस मदर के अब नेक्स्ट डे जब वो आती है ला रपट उनके घर में तो मदर जो है वो ठीक होने लगती है यानी कि वो अब मरने वाली नहीं है वो बिल्कुल ठीक हो रही है ठीक है जब ऑनर जो है वो बेसिकली ये सब चीज़ें जानता है कि उसकी माँ जो है वो कभी भी मरेगी नहीं उसके अंदर इतनी पावर है कि वो जिएगी और वो कभी भी मर नहीं सकती है तो उसे ये भी पता होता है कि ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी अब क्या होता है कि जब ला रेपिड ये सारी चीज़ें देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ये चीज़ जो है वो डिसाइड करती है कि वो उसे जो है ना उसका गला दबा के मार देगी लेकिन उसी के साथ साथ वो ये रियलाइज़ करती है कि सबको इस तरह उसका पता चल जाएगा कि इसी ने जो है वो मदर को मारा है और सब जो है वो उससे नाराज़ होंगे ठीक है तो वो जो है वो इस चीज़ को इस आइडिया को जो है ना वो चेंज कर देती है अब वो क्या करती है ला रेपड जो है वो अपनी ग्रीड में आके क्या करती है कि वो उस मदर को कहती है है कि दी डेवल के बारे में बताती है कि डेवल जो है क्या तुमने देखा है दी डेवल अब वो कहती है कि नहीं मैंने नहीं देखा तो जब वो बताती है उसका अपेरेंस बताती है उसकी डिस्क्रिप्शन बताती है कि जो दी डेवल जब आता है जब आपकी आप मरने वाले हो तो फिर दी डेवल आता है ठीक है और आप उसको देखकर ही मर जाते हो ठीक है जो उसको देख लेता है वो मर जाता है अब दी डबल जो है उसकी उसने जो है अपने हेड पे एक बाल्टी टाइप पहनी होती है उसके हाथ में जो है वो झाड़ू होता है दूसरे हाथ में उसकी जो है ना वो दूसरी बाल्टी होती, होती है ठीक है तो वो जो है वो इसी तरह से इसी अपेरेंस में जो है ना वो बनकर ला रेपट जो है ना वो अपेरेंट्स को बनाती है अपना दी डबल की तरह और जो है ना वो मदर के पास चली जाती है जब वो मदर को बता रही होती है कि उसकी अपेरेंट्स ऐसी है की तब उसकी मदर जो है ऑनर की वो इसको इग्नोर कर देती है और अपना मुंह जो है वो दूसरी साइड पे करके सो जाती है लेकिन जो जब ला रेपिट आती है और ऐसा पेरेंट्स बना के आती है अपने सर पे बाल्टी और हाथ में झाड़ू तो जब मदर उसको देखती है तो उसकी डेथ हो जाती है जब डेथ होती है तो दा ला रपेट जो है वो उसकी प्रेयर कर रही होती है और जब ऑनर शाम को अपने घर में वापस आता है तो वो देखता है और उससे जो है ला रपेट से जो है ना वो अपनी अमाउंट की डिस्कशन करने लग जाता है यानी कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि उसकी माँ की डेथ हुई है ठीक है वो अपनी जो अमाउंट है कि उसकी कितने पैसे बने हैं इतने दिन रहने के यहाँ पर टेक केयर करने के वो उनकी डिस्कशन उससे करने लग जाता है यहाँ पे जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है तो बेसिकली इसमें जो हर करेक्टर है वो अपनी ग्रीड को शो कर रहा है फर्स्ट पे जो उसका बेटा है वो क्या है आ, फसल काटनी है तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी माँ की केयर नहीं कर सकता उसे अपनी फसल काटने की पड़ी हुई है क्योंकि वो किसान है ठीक है दूसरी तरफ जो ला रेपेड है वो नर्स है और लोगों की जो हेल्प करने के लिए और टेक केयर करने के लिए जाती है लेकिन उसकी भी हमें ग्रीड नज़र आती है कि वो किस तरह से जब वो देखती है कि उसकी माँ जो है वो ठीक हो गई है और उसको जो है वो एक दिन में ही अब जाना पड़ेगा उसको कोई भी अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी तो वो फिर उसको जो है ना मारने का प्लान करने लगती है और उसको एंड पे मार देती है डरा के फिर डबल की खौफ से उसको डरा देती है उसको टेरीफाई कर देती है तो बेसिकली इसमें हमें टू करेक्टर्स ऐसे मिलते हैं जिसमें हमें ग्रीड दिखाई जाती है लोगों की कि वो अपने ग्रीड के लिए पैसे के लिए अपनी विशेष को पूरा करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं ठीक है उनको किसी चीज़ का डर नहीं होता उनको किसी चीज़ का खौफ नहीं होता वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं अपने पैसे कमाने के लिए तो आई होप कि ये भी आपको स्टोरी जो है वो बहुत छोटी सी और ईजी सी थी समझ में आ गई होगी कमेंट्री आपने जिस तरह से मैंने आपको कहा आपने ज़रूर पढ़ लेनी है ताकि आपको और क्लियर हो जाए उसके बाद एक्टिविटी आपने पढ़ लेनी है इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेने हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके आई होप कि ये लेसन नंबर फोर और फाइव जो मैंने आपके साथ आज की वीडियो में शेयर किया है वो आपको समझ में आ गया होगा मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनशाला हाफि